हिंदुस्तानी 2, हिंदुस्तानी एक ऐसी फिल्म थी 1996 में जिसने एक बार के लिए तो सिनेमास को हिला दिया था। और क्योंकि उस टाइम पे भी करप्शन से रिलेटेड ये मूवी बनाई गई थी, तो आज भी ये मूवी करप्शन से रिलेटेड ही बनाई गई है। इससे और कुछ पता चले या ना चले, लेकिन सिस्टम के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है कमल हसन सर ने यह फिल्म बना के कि तुमसे 28 साल में भी करप्शन को लेके कुछ ना हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदुस्तानी 2 एज अ फिल्म के बारे में, हिंदुस्तानी 2 के म्यूज़िक की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर मैं BGM की बात करता हूँ, कमाल का BGM आपको देखने को मिलना है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक। उसके बाद अगर मैं स्टोरी की बात करता हूँ, स्टोरी कुछ हद तक हिंदुस्तानी 1 से सिमिलर लगने वाली है, इंडियन 1 से सिमिलर लगने वाली है आपको, क्योंकि ज़्यादा प्ले नहीं करते हैं शंकर अपनी स्टोरीज़ के अंदर, शंकर प्ले करते हैं करेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, कमल हसन सर ने अपने करेक्टर को फाड़ के हाथ में रख दिया कि भाई साहब मेरे से बेटर एक्टर लिटरली कोई नहीं हो सकता कैरेक्टर प्ले करने में। और अगर हम बात करें, उनको हमने कल्की में भी देखा है, उनको हमने अच्छी अच्छी और फिल्मों में भी देखा है, तो शायद उनके जैसा कैरेक्टर स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कोई और लेकर आ पाता है कन्विक्शन के साथ। अगर मैं इस मूवी की पर्टिकुलरली बात करूं, ये मूवी एक ऐसी फिल्म है जिसे हर इंडियन को एक्चुअली देखनी चाहिए, बिकॉज ऐसा करप्शन से रिलेटेड सिनेरियो मैंने बहुत रेयर देखा है कि इतना ओपनली आउटस्पोक किया जाए। लेकिन अगर मैं इसे एक मूवी से रिलेट करके तुम्हें बताऊं कि ये मूवी को तुम थोड़ा बहुत किस मूवी से रिलेट कर सकते हो, तो जी हाँ, एक मूवी आई थी गब्बर करके, गब्बर इज बैक करके, तो वो एक मूवी थी अक्षय कुमार की, जो शायद अक्षय कुमार का करियर ऊपर लेके जा सकती थी, लेकिन अक्षय कुमार ने उसके बाद जो हगना चालू किया, आज की डेट में तुम उनकी फिल्में देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इस फिल्म की, हिंदुस्तानी 2 की, तो हिंदुस्तानी 2 एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आपको ये ज़रूर फील होगा कि ऐसा एक बंदा शायद रियल लाइफ में भी आ जाए। तो अगर मैं बात करूं हिंदुस्तानी 2 की, इस मूवी को मेरी तरफ से मिलते हैं 4 स्टार, 3.5 से 4 स्टार ही दूंगा, मतलब बीच में कहीं रख लो, 4.5 या 3.5 ही रख लो। डिसेंट मूवी है, सारी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कोई वल्गैरिटी नहीं है। एंड हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि ओपन एंड आउट एंटरटेनिंग मूवी होने वाली है, नहीं, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि तुम जाओगे वहाँ से तुम कुछ अच्छा लेकर आओगे। और उसके बाद अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि इस मूवी के ऊपर मैं पैसे खर्चूंगा जहाँ पे मेरे को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, जी हाँ, मैं OTT पे पैसे खर्च दूंगा, क्योंकि कुछ टाइम में ये मूवी OTT पे आ जाएगी, मैं तब देखना पसंद करूँगा। अगर मुझे इस मूवी के बारे में पता है कि ये मूवी कैसी है, मैं थिएटर जाके पैसे नहीं खर्चूंगा, स्पेसिफिकली इसलिए भी क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में मूवी की कोई हाइप नहीं है। पंजाब में मतलब मुश्किल से आज हमारे थिएटर में 4 से 5 लोग थे। तो अगर मैं बात करूं, ये मूवी आप लोग भी OTT पे वेट कर सकते हो आने का, बट इफ़ यू वांट टू गो एंड वॉच इट इन सिनेमा, यू कैन एंजॉय इट इन सिनेमा। थोड़ा बहुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन मूवी अच्छी है। अनडाउटेडली ऐसी मूवीज़ बनती रहनी चाहिए, और हिंदुस्तानी 3 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो आपको फिल्म देख के पता चली जाएगा। स्टोरी मैं रिवील करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा वैसे भी स्टोरी के अंदर कुछ प्ले करने को नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूँ करेक्टर्स की, तो सारे करेक्टर्स अपना काम बखूबी कर जाते हैं, और डायरेक्टर ने भी अपना काम बहुत अच्छे करा है। मूवी मेरे को देखने में अच्छी लगी, देखना ज़रूर, चाहे OTT पर देखो चाहे सिनेमा में, वो तुम्हारी चॉइस है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।